हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों यहां पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोस्तों आईटीआई के लिए दोस्तों कुछ वैकेंसी आई हुई है, जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 222022, और ये दोस्तों बिल्कुल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की वैकेंसी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, परिवेश भवन पूर्वी अर्जुन नगर सहद्रा। अब दोस्तों ये किस तरह की वैकेंसी है और हम सब कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े होंगे दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में ज्वाइन कर लेना। और जैसे दोस्तों कोई अपडेट अगर नोट्स वगैरह हो गया तो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जितनी नई नई वैकेंसी आती रहेगी आपको हम वहाँ पर पोस्ट करते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम वैकेंसी को लेकर के, आखिर ये वैकेंसी क्या है, कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ये गवर्नमेंट है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एवं संवैधानिक संगठन है, जिसे जल अधिनियम 1974, अधिशासी अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्ति और कार्य सौंपा गया है। दोस्तों जो वैकेंसी आई हुई है देख सकते हैं आप यहाँ पर, प्रारंभिक तिथि जो वैकेंसी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि है 6 मार्च 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, मतलब दोस्तों आज जो है मार्च का 11 मार्च है, ठीक है, मतलब इस महीने में आपके पास करीब 19 दिन टाइम है आपको फॉर्म भरने का। अब दोस्तों ये फॉर्म जो है ये आईटी वालों के लिए भी है और इसके अलावा भी अतिरिक्त पद भी निकाले गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट हैं ये देखिए, यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये पोस्ट का नाम दिया गया है सहायक विधि अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। हम लेके चलते दोस्तों यहाँ पर जो कि आईटीआई वालों के लिए है स्पेशल, वहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर तकनीकी है, तकनीकी पर्यवेक्षक है, ठीक है, जो कि दोस्तों आईटीआई वालों के लिए है। 35,400 लेकर के 1,12,000 तक ये पे स्केल है, वेतन मैट्रिक्स है, और दोस्तों यहाँ मैक्सिमम उम्र इसमें 30 वर्ष मांगा गया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेखा सहायक है, कनिष्ठ तकनीशियन है, सहायक है, इसके बाद ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, प्रवर श्रेणी क्लिनिक है। इसके बाद दोस्तों ये तकनीशियन का ये पोस्ट है, इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तकनीकी असिस्टेंट ये पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये दो तीन तरह के पोस्ट हैं, और आप नीचे आएंगे दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी दोस्तों यहाँ पर ये पोस्ट दिया गया, जिसको आप कोई भी भर सकता है, ठीक है। उम्र की बात दोस्तों यहाँ पर करें तो दो उम्र दिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लेना, और दोस्तों यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोस्तों बात यहाँ पर आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि डिटेल दिया हुआ है इस वैकेंसी के लेकर के। दोस्तों यहाँ पर एज में जो है डिस्काउंट मिलने का, देखिए हमें एससी एंड एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष का, और बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सबको रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर कि रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि पद का नाम शहरी की अपेक्षा, ठीक है, और क्या क्या चिन्हित दिव्यांगता। दोस्तों अगर ये सब रहेगा ना दिव्यांग, मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहेगी फिर आपको इसमें जॉब नहीं मिलने वाली है, तो ये सब देख लेना। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, जहाँ पर आप टेलीग्राम में जुड़ते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल में दोस्तों आपको देखना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों शैक्षिक अर्हता और पद का नाम देखते वैज्ञानिक के लिए आपको ये तो मतलब नहीं है, अगर आप आईटीआई हैं तो आईटीआई के लिए आपको जो यहाँ पर दोस्तों अलग से जो है चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कनिष्क तकनीशियन का दोस्तों उसमें है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, ठीक है, इसके दोस्तों किसी प्रतिष्ठित संगठन या संस्थान से प्रयोगशाला मशीनों की सर्विसिंग में 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव, ठीक है। दोस्तों ये वरिष्ठ प्रयोगशाला है, मतलब आप आपने आईटी किया है तब भी नहीं किया है तब भी आप बहुत सारे कई तरह के चीज़ों में फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान में विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हो तब भी आप जो है इसमें भर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है, जूनियर प्रयोगशाला है, ये सिर्फ 12वीं पास पे है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री में जो है आपको सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा फील्ड अटेंडेंट है, जो कि सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है, 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए या फिर आईटीआई के लिए भी है,
अगर आपने आईटी किया है तो इलेक्ट्रीशियन के 3 पद हैं, प्लम्बर के 2 पद हैं, फायर एंड सेफ्टी के 1 पद हैं, पंप ऑपरेटर का 1 पद है दोस्तों। व्यवसाय या औद्योगिक संस्थान में प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि आईटीआई आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जो है आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैंने जो बता दिया डिटेल में जो कि मोटा मोटी था। दोस्तों शुल्क की बात करें, 2 घंटे की परीक्षा होगी दोस्तों, 750 रुपये प्लस GST वगैरह सब ऐड करके 1000 रुपये है, और 500 रुपये दोस्तों यहाँ पर है एक घंटे की परीक्षा। ठीक है, 2 तरह के मतलब शुल्क यहाँ पर हैं, तो आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बताइए। सो दोस्तों बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपको डिटेल चाहिए दोस्तों मैं टेलीग्राम में इसका PDF सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से PDF में आप डिटेल देख लेना और ऑनलाइन अप्लाई वहीं से कर देना आप लोग। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।